हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम बात करेंगे कि आप WCC2 में परफेक्ट बैटिंग कैसे कर सकते हो। तो दोस्तों, अगर आप भी चाहते हो कि आपके हर बॉल पे बाउंड्रीज जाए, तो आपको ये वीडियो अंत तक देखना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, क्योंकि मैंने इस वीडियो में अंत तक के आपको सारे पॉइंट बताया होगा कैसे आपकी बैटिंग परफेक्ट होगी। वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल को अब तक नहीं किया है सब्सक्राइब, तो कर लीजिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब। और पास में मिलेगा आपको एक बेल आइकन, उसको भी कर दीजिए प्रेस, ताकि हमारी तरफ से मिलने वाली कोई भी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, पहले आप मेरे बैटिंग के स्टैटिक्स देख लीजिए। यहाँ पर मैंने 193 बॉल्स को फेस किया हूँ इंक्लूडिंग एक्स्ट्राज मिलाकर। इसके बाद में जो फोर्स जो है तो मेरे 77 मैंने हिट किया, और जो सिक्स है मेरे वो 110 है। तो कुल मिला के दोस्तों 193 बॉल्स पे मैंने 187 बाउंड्रीज लगाया हो। तो ये सब मैंने कैसे किया हो दोस्तों, तो मैं ये आपके साथ इस वीडियो में शेयर करूंगा। तो इस वीडियो का अंत तक जरूर देखें। इस गेम में दोस्तों, मैं अपोनेंट टीम का ना ही तो स्विंग मीटर पता चलता है और ना ही उसकी स्पीड पता चलती है। तो ऐसे इसमें दोस्तों, ये जो ब्लू सर्कल है जहाँ पे अपोनेंट टीम का बॉलर बॉल को प्लेस करता है, पिच करता है, हमें उसी की मदद से हमारी बैटिंग को इम्प्रूव करना है। तो ये कैसे हम इस बैटिंग को इम्प्रूव करेंगे इस ब्लू सर्कल की मदद से, वो मैं आपको बता देता हूँ। तो पिच के होते हैं तीन पार्ट्स, एक रहता है फुल लेंथ, दूसरा रहता है गुड लेंथ, और तीसरा रहता है शॉर्ट लेंथ। अगर आपके अपोनेंट टीम के बॉलर ने आपको अगर फुल लेंथ बॉल किया हुआ है, तो आप बॉल को ब्लू सर्कल के पास आने का वेट मत कीजिए। ब्लू सर्कल के पास जैसी बॉल आएगा, उसके पहले ही आप स्क्रीन को स्वैप कर दीजिए। इसके बाद में अगर सामने वाले बॉलर ने आपको अगर गुड लेंथ के ऊपर बॉल करवाया है, तो आप बॉल को थोड़ा ब्लू सर्कल के पास आने दीजिए, उसके बाद में अपनी स्क्रीन को स्वैप कर दीजिए। अगर बॉलर ने आपको शॉर्ट बॉल किया हुआ है, जैसे कि फास्ट बॉलर जनरली शॉर्ट बॉल कर देते हैं, तो इस में आपको ये करना है दोस्तों कि जो बॉल को है पिच होने दीजिए ब्लू सर्कल के अंदर, उसके बाद आपकी स्क्रीन को स्वाइप कीजिए। अब इसमें भी दोस्तों ये होता है कि स्पिनर के लिए थोड़ा रिएक्शन टाइम अलग रखना पड़ता है, और फास्ट बॉलर के लिए थोड़ा रिएक्शन टाइम अलग रखना पड़ता है, क्योंकि उनकी स्पीड अलग अलग होती है। आप अपनी बैटिंग टाइमिंग मीटर को किस तरीके से ठीक कर सकते हो, अपने रिएक्शन टाइमिंग को कैसे ठीक कर सकते हो, इसकी टिप मैं आपको बता देता हूँ। लेकिन वो टिप बताने से पहले आप मेरे कुछ बैटिंग शॉट्स को देख लीजिए, उसके बाद में बहुत ही इंपॉर्टेंट टिप मैं आपको बताता हूँ। तो दोस्तों, यहाँ पे ये कर रहा है फुल टॉस बॉल, और फुल टॉस बॉल आता है फुल लेंथ के अंदर। तो फुल लेंथ का मैंने कॉन्सेप्ट आपको ये बताया हूँ दोस्तों, कि जो बॉल है थोड़ा जब ब्लू सर्कल से दूर रहेगा, तभी आपको स्क्रीन को स्वाइप कर देना है। यहाँ पे ये कर रहा है गुड लेंथ बॉल, और गुड लेंथ का कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया कि जब भी बॉल ब्लू सर्कल के बिल्कुल करीब में आ जाएगा, तो आपको उसी वक्त स्क्रीन को स्वाइप कर देना है। यहाँ पे अब इस बात का ख्याल रखिए कि बॉल को आप बिल्कुल भी पिच से टच मत होने दीजिए गुड लेंथ, जब भी आपको बॉल मिलेगा। तो यहाँ पे जो स्पिनर है गुड लेंथ और फुल लेंथ के पास में हमको बॉल कर रहा है, तो इसमें भी हमें बस यही करना है दोस्तों कि जो ब्लू सर्कल के पास जैसी बॉल आने लगे, तो हमें स्क्रीन को स्वाइप कर देना है। इसमें भी इस बात का ख्याल रखना है कि बॉल को हमें बिल्कुल भी पिच से टच नहीं होने देना है। अब इसके बाद में दोस्तों, मैंने आपको पहले बताया था कि आपको जो आप रिएक्शन टाइम जो है बॉलर के लिए अलग अलग रहेगा, स्पिनर के लिए और फास्ट बॉलर के लिए। तो आप वो रिएक्शन टाइम को कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, वो अब मैं आपको बता देता हूँ। मोस्टली लोग ये सोचते होंगे दोस्तों कि आप जो नेट प्रैक्टिस है उसमें जाकर अपनी बैटिंग को इम्प्रूवमेंट कर सकते हो, वहां से आप परफेक्ट बैटिंग सीख सकते हो, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप नेट प्रैक्टिस में कितनी भी चाहे प्रैक्टिस कर लो, आपकी बैटिंग इम्प्रूव नहीं होगी। बैटिंग को इम्प्रूव करने का सबसे बढ़िया तरीका मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो पहले क्विक प्ले में चले जाइए दोस्तों, और उसके बाद में इजी लेवल के ऊपर 50 ओवर का एक मैच ले लीजिए। 50 ओवर का मैच आप जब ले लोगे, उसके बाद में आपको मिलेगा सामने आपका स्क्वाड, और एक मिलेगा अपोनेंट का स्क्वाड। आप जो है अपोनेंट के स्क्वाड के अंदर चेंज स्क्वाड में चले जाइए, और वहाँ पे आप सबसे पहले जो है आपके जो प्लेइंग 11 में जो भी बॉलर है, जो फास्ट बॉलर है या मीडियम फास्ट बॉलर है, उनको रिप्लेस कर दीजिए स्पिनर से। मतलब आपको प्लेइंग 11 में सिर्फ और सिर्फ स्पिनर से खिलवाना है। अब इससे होगा क्या दोस्तों, कि आप जो 50 ओवर्स है वो पूरे के पूरे स्पिनर्स के अगेंस्ट में खेलेंगे, और जो कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया वो कॉन्सेप्ट जो स्पिनर्स पे समझना इजी है, क्योंकि उनकी स्पीड कम होती है। तो जब आप कॉन्सेप्ट ठीक से समझ जाओगे स्पिनर के ऊपर, और आप जब स्पिनर को ठीक से खेलने लग जाओगे, आपकी बाउंड्रीज आना शुरू हो जाएंगी स्पिनर पे। उसके बाद आप अपने स्पिनर्स को जो है रिप्लेस कर दीजिए मीडियम फास्ट बॉलर से। फिर आप मीडियम फास्ट बॉलर पे जब आप मास्टर हो जाएंगे, आपको बाउंड्रीज मिलना शुरू हो जाएगी, आप कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा मीडियम फास्ट बॉलर पे आपको कैसे खेलना है, उसके बाद आप आइए फास्ट बॉलर के ऊपर अपना बैटिंग इम्प्रूवमेंट करने के लिए। तो मैं आपको पहले स्पिनर से खेलने के लिए इसीलिए बोल रहा हूँ दोस्तों, क्योंकि उसकी स्पीड कम होती है, उनसे शॉट खेलना इजी रहता है, और जो कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया वो समझना भी आपको स्पिनर से ईजी जाएगा। तो इसलिए पहले आप स्पिनर से अपनी बैटिंग को इम्प्रूव कीजिए, उसके बाद मीडियम फास्ट बॉलर से, और उसके बाद में फास्ट बॉलर से। तो इस तरीके से जब आप अपनी बैटिंग को इम्प्रूव करोगे, तो आपकी बैटिंग जो है बहुत ही जल्दी इम्प्रूव हो जाएगी। तो और आपको प्रैक्टिस भी इसी तरीके से करना है जैसे मैंने अभी आपको बताया हो। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ इससे आपकी बैटिंग में इम्प्रूवमेंट आएगा, और अगर आपको इससे कुछ भी फायदा हुआ तो प्लीज़ दोस्तों इस वीडियो पे लाइक का एक हिट जरूर मार दीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इस पर शेयर और कमेंट जरूर कर दीजिए। तो दोस्तों, मिलते हैं बहुत ही जल्द किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।